तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एमके मिकाइल ब्लॉग्स में। तो आज जो हमारे पास आई है ना लाइटें, वो सिर्फ और सिर्फ बफिंग की आई हैं ज़्यादातर, और एक दो साइड मिरर थे जो ऑटोमेटिक वगैरह डलने आए थे, और शीशे भी डलने आई थी लाइटों में। ज़्यादातर जो आई हैं वो बफिंग की लाइट आई हैं। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, मिलते हैं आपको वीडियो के बाद। तो गाइज ये देख लो, जो आपको दिखाया था ना पहले BMW का, वो सॉरी मर्सिडीज़ के साइड में जो रिपेयर होने आए थे, देख लो ऑटोमेटिक पूरी वर्क करती हुई, बिल्कुल वर्क करती हुई है ऑटोमेटिक। देख ली ना आपने, ये वही वाले पीस हैं जो खुले हुए आए थे हमारे पास। एक खुला हुआ आया था, एक खुला था, एक वो साइड में पड़ा है कोने में, दिख रहा होगा आपको। ये देख लो, दोनों पीस आपके कम्प्लीट हो चुके हैं। इनकी ऑटोमेटिक फुल्ली वर्किंग करती हैं, बिल्कुल इनकी फुल वर्किंग हो। क्योंकि हेड लाइट होती है आई थी बफ होने, इसके स्क्रैच बिल्कुल ख़त्म करके देने। ये देख लो, इसके स्क्रैचेस ख़त्म हो रहे हैं, हमारे पर मशीन लगी है बफिंग की, बफ हो रही है लाइट। ये देख लो आप, ये वही बलूनों की हेड लाइट है जो आपको स्क्रैच लगी हुई दिखाई थी। इनने बंदे ने मॉडिफाई करा रखी है अपनी लाइट, मतलब ब्लैक उसका सब कुछ करा रखा है, अंदर नीला बल्ब लगवा रखा है उसने। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये ब्लू रिंग करके लगवा रखे हैं ना इसने। तो इसने बफिंग कराई थी, बढ़िया गाड़ी बनवा रखी थी, फुल टेपिंग वेपिंग करा के। ये देख लो, ये पोलो की हेडलाइट आई है बफ होने। इसका है ना ये अंदर का जो वो दिख रहा है रिफ्लेक्टर, ये हिल रहा है इसका, ये देख रहा हूँ ना हिलता हुआ, ये हिल रहा है इसका। तो ये बदल के देना है और साफ भी करके देनी है इन्हें लाइटें बढ़िया चमका के। तो ये देख लो आप, ये लाइटें बिल्कुल हो चुकी हैं, देख रहा हूँ ना कैसा चेंज आ गया लाइटों में, बिल्कुल चेंज आ गया। और अंदर के वो भी रिफ्लेक्टर भी बदल दिए हैं, लाइट बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी हो गई हैं। पहले की भी देखो आप और अब देखो कैसी हो गई हैं लाइटें। और इसका अंदर का जो रिफ्लेक्टर चेंज करा है वो भी हिलना बंद हो चुका है इसका, देखो। और रिफ्लेक्टर नहीं हिली है तो लाइट अभी कसी हुई नहीं है, इसलिए हिल रही है, रिफ्लेक्टर नहीं हिल लिया। बट देख लिया ना आपने कि लाइट भी कैसी चमकदार हो गई, बिल्कुल ये लाइट कस रहे हैं पूरी। अभी स्विफ्ट की लाइट आई है, ब्लैक वाली थी नहीं हमारे पास, तो इनमें हमने इनको शीशे लगा के दिए हैं, नए शीशे लगा के दिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू शीशे लगा के दिए हैं इनको भाई को हमने। देख लो, इसमें ऑटोमेटिक भी डलनी है इनकी भाई की में। ये लाइट लेने आए थे बट हमने शीशे डाल के दे दिए इन्हें कि शीशों में काम हो जाए इनका। ये देख लो, ये ऑटोमेटिक होती है ऐसी, और ये जो हम डाल रहे हैं ये है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ऑटोमेटिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। कितनी भी बार आप हाथ से मुड़ लो, कुछ कर लो, क्योंकि आती नहीं मुड़ने से, वैसे टूट तो जाती है। फिर भी ये स्कॉर्पियो की हेडलाइट आई है, इसमें भी हम सिर्फ शीशा शीशा डालेंगे, और ये इनका हल्का सा किनारा टूटा हुआ नीचे ब्लैक वो डाल देंगे। उसका साइड में ऑटोमेटिक वाला ये हो गया, जिसमें अभी दिखाई थी ना नहीं डाली है, आ जाती है फिर भी हाथ से मुड़ने पर, लेकिन आएगी नहीं इसमें, क्योंकि ये आनी नहीं चाहिए, नहीं है मोटर। बट क्या पता हो जाए, टकराने से हो जाती है। बट ये देख लो आप, फुल वर्किंग होती हुई ऑटोमेटिक हो रही है ना, फुल वर्क। देख लो अब, ये दोबारा खुल के भी दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, ये देखो खुल गई। अब ये देख लिया आप, इसमें शीशे डल गए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू शीशे हैं डले हैं इसमें, ब्रांड न्यू। ये देख लो आप कैसी हो गई लाइट, बिल्कुल चमकदार हो चुकी है लाइट। ये बोन लग रही है कि पानी वगैरह ना जाए इसमें, सील्ड जो होती है वो लग रही है ये। ये देख लो आप कैसी हो गई है, चमकदार सी, अब बिल्कुल एकदम नई जैसी हो गई है लाइट इनकी भाई की। बहुत खुश थे ये वैसे तो, कि बढ़िया कर दी भाई इन्हीं लाइटों को, बढ़िया तो हो ही चुकी हैं वैसे ये लाइटें, देख ही रहा होगा आपको कैसी। रात हो गई थी जब वीडियो ख़त्म करनी चाहिए मैंने, तो ये रात हो गई। ये देख लो, स्कॉर्पियो में भी डल गया है शीशा, बिल्कुल ब्रांड न्यू शीशा है। ये देख लो, हेडलाइट का ग्लास इसमें भी डल चुका है, वो हल्का सा जो ब्लैक किनारा टूटा था उसको भी रोक दिया वहीं पे, बिल्कुल पता नहीं चल रहा, वो रोक दिया है उसको वहीं पे एल्फी से, क्योंकि इनका बेजल डाला ही नहीं हमने। कहते ये दूसरा डाल दो तो दूसरा डाल देते, बट इन्होंने क्या उसी को रोक दो तो हमने वहीं रोक दिया। ये देख लो कैसे चमकदार हो गई इनकी लाइट फिर दोबारा। फेबिया की पहले वीडियो में बना नहीं पाया था, ये भी बफिंग ही होने आई थी लाइट, देख लो ये भी बिल्कुल साफ़ करके दिए इनको भाई को। इनकी पहले की वीडियो बना नहीं पाया था, कहीं काम में लगा हुआ था मैं, तो देख लो ये फुल बफिंग हुई है लाइट। और इनका भी अंदर का रिफ्लेक्टर हिल गया था, वो टूट गया था कहना टक्कर से,
तो वो भी चेंज करके दिया है इनका, देख लो बिल्कुल बढ़िया लाइट करके दिए, पता भी नहीं लग रहा कि खोल के दोबारा पेस्ट करी है ऐसी कर दी। एक ग्रैंड की भी गलती से बना ही नहीं पाया कि कैसी आई थी ये लाइट, ये भी बफिंग ही होने आई है। देख लो ये खुल रही है लाइट, ये पूरी खुल गई लाइट बढ़िया करके, खुल चुकी है। और यहाँ पर पहली वाली लाइट की बफिंग हो रही है, वो जो पहले खुल के लग चुकी है दोबारा फिटिंग हो गई है, बफिंग हो रही है उसकी, दोनों ही आई थी ये लाइटें बफ होने। ये देख लो ये पूरी बफ हो रही है अभी लाइट, ये देख लो कैसी चमकदार हो गई है लाइट, जो बफ हो के आई थी बिल्कुल चमक चुकी है ये लाइट। आज ये फॉर्चुनर की भी आई है बफिंग होने, इसको ये जो ऊपर पीला पीलापन दिख रहा है ना, ये देख लो ये ऊपर ये येलो सा जो आ गया है, और थोड़ी सी ने रोशनी भी आड़ी चढ़ी जा रही थी वो भी सेट करके देंगे इनको, पूरी सेटिंग करके देंगे। तो ये देख लो ये हो चुकी है बफिंग, इसका देख लो ऊपर जो पीला था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ऊपर जो पीला पीला था ना ख़त्म हो चुका है। ये देख लो लाइट बहुत बढ़िया हो चुकी है एकदम। तो मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। गुड बाय।